वेलकम एवरीवन टू श्रद्धा होम कुकिंग खुरमजनी में आप नमक। आज मैंने बनाया है एक वेरी क्विक इजी सा फ्राइड राइस, जो एकदम आप इसको इंडो चाइनीज बोल सकते हो। तो घर पे लेफ्ट ओवर राइस अगर है तो आप इस तरह से इजी क्विकली अवेलेबल किसी भी वेजिटेबल्स के साथ अपने घर में इस तरह से फ्राइड राइस बना सकते हो। तो आज की ये फ्राइड राइस मेरी एक्चुअली मेरी बहन की फरमाइश थी कि ऐसी कोई इजी रेसिपी दिखाओ जो वो जल्दी झटपट सुबह बना के अपने कॉलेज में ले जा सके, जो उसके लिए फीलिंग भी हो जाए, तो जिससे ज़्यादा टाइम तक उसका पेट भरा हुआ रहे। तो सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा 2 एग लेके उसको मैं उसका क्रैम्बल करके स्क्रैम्बल बना रही हूँ एग को इस तरह से। अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्लीज़ ये फर्स्ट के 2 मिनट स्किप कर 1 मिनट स्किप कर दीजिए, आप अंडा मत डालिए इफ़ यू आर वेजिटेरियन। बट बाकी के प्रोसेस इट्स और मोर और लेस सेम एज ए वेजिटेरियन फ्राइड राइस रेसिपी। तो ये है अदरक और फिर जिंजर और गार्लिक दोनों को मैंने ना बड़े बड़े चंक्स पे रखा है, उसको पेस्ट नहीं करना है। जब आप अपने फ्राइड राइस में जब भी आप इस तरह से बनाते हो आपको मैक्सिमम फ्लेवर चाहिए, तो आप इस तरह से थोड़ा मोटा पीस करके कट कीजिएगा गार्लिक और जिंजर को। और फिर ये देखिए हमने ऑनियन को भी इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। और फिर अभी कैरेट और बीन्स, तो आप देखिएगा आप ना ही ऑनियन को ज़्यादा टाइम फ्राई करना है, जस्ट लाइक 10 सेकेंड्स। फिर अपना कैरेट और बीन्स, मेरे पास ये फ्रेंच बीन्स था, तो आप जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैप्सिकम, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास कैरेट और बीन्स थी तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। और ये है चिल्ली, इसको भज्जी चिल्ली कहते हैं बैंगलोर में जनरली। ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता है जिससे ये लोग मिर्ची के पकौड़े बनाते हैं। तो मेरे पास कैप्सिकम नहीं था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। आप किसी भी कलर का ग्रीन, रेड, येलो, कोई भी कैप्सिकम इस्तेमाल कर सकते हो। बस मोर और लेस आप अपने अवेलेबल वेजिटेबल्स के साथ आसानी से इस तरह से बना सकते हो। तो आप किसी भी वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करेंगे, बस उसको हल्का हल्का 1-2-3 मिनट तक भूनते भूनते थोड़ा थोड़ा धक धक के आप वैसे पका लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको स्पाइसी एंड चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चिली पाउडर एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर दिया है। तो मैंने उसका मेजरमेंट भी कैप्शन में डाल दिया है, पर आप अपने हिसाब से अगर जो भी मसाला आप स्किप करना चाहते हो, अगर आपको मिर्ची पाउडर नहीं चाहिए सिर्फ ब्लैक पेपर चाहिए तो आप सिर्फ ब्लैक पेपर डालिए। तो इस तरह से सारे मसालों को आप अच्छे से थोड़ा सा अपने सब्जियों के साथ 1-2 मिनट पकाइए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जी धनिया का पाउडर भी डाला है, ये एकदम ऑप्शनल है। तो इस तरह से ना मैं सारे सब्जियों को धक धक के लगभग 5 मिनट तक ही पकाऊंगी, ये मैक्सिमम 7-8 मिनट, नॉट मोर देन दैट। 7-8 मिनट भी मत पकाइए, ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने गाजर और बीन्स से शुरुआत की क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। तो अभी देखिए मेरी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं यहाँ पे मैंने ये राइस डाल दिया है। तो ये लेफ़्ट ओवर राइस है, लेफ़्ट ओवर राइस मतलब मेरी ये मैं ये डिनर में बना रही हूँ, तो मैंने ये दोपहर की मेरी चावल बच गई थी। मेरी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने उस हिसाब से नमक, उस हिसाब से सारी ये मिर्ची, सारी सॉसेस को मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाल दिया ऑलमोस्ट 1 स्पून और फिर टोमेटो सॉस 2 स्पून और ये है पिज़्ज़ा और पास्ता का जो सॉस रेडीमेड आता है बाज़ार में उसका 2 स्पून। आपके पास अगर चिली सॉस और ग्रीन चिली, रेड चिली सॉस है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने पिज़्ज़ा मसाला का ये सॉस जो है वो यूज़ किया है। तो इस तरह से सारे वेजिटेबल्स को मसाले के साथ, चावल के साथ ना, सारे सॉसेस के साथ अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। मेक श्योर कि पूरे चावल में अच्छे से सारे मसाले लग जाएंगे। और अगर चावल की गुठली भी बनते हैं तो आप अपने चम्मच से अच्छे से उसको तोड़ दीजिए। तो सबसे बेस्ट
फ्राइड राइस जब बनाना चाहते हो आप अगर घर पे, तो हमेशा बचा हुआ चावल से ही बनाना, मतलब ठंडी चावल जो होती है ना, जिसमें दाने आपके अलग हो जाते हैं, या नहीं तो आप फ्रेश चावल बनाओगे तो चावल को अच्छे से फैन के नीचे एक थाली में या प्लेट में रख के ठंडा कर दीजिए, फिर आप उससे बनाइए। और मसाले आप अपने हिसाब से ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो स्क्रैम्बल एग जो मैंने बना के रखी थी उसको भी डाल दिया, डाल के सारे अपने चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर इसमें मैंने ना थोड़ा सा पानी छिड़क के ऑलमोस्ट लेस देन हाफ कप फिर उसको स्टीम पे रख दिया है, बिकॉज मैं इस चावल को हाँ इसका लॉन्ग सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। आप अगर इमीडिएटली खाना चाहते हो तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे कि सोचो आपकी रात की बची हुई चावल है और आप सुबह उसको लंच के लिए ऑफिस में या स्कूल में लेके जाना चाहते हो, तो आप आई प्रेफर यू कि थोड़ा सा पानी डाल के चावल को 3 मिनट तक के लिए इस तरह से स्टीम कर लीजिए। तो देखिए आपकी परफेक्ट फ्राइड राइस बन के रेडी है। इससे आप आपके बच्चे फैमिली बहुत अच्छे से एंजॉय करके खा पाएंगे, एकदम मज़ेदार चटपटी सी फ्राइड राइस। तो प्लीज़ इस तरह से ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए श्रद्धा होम कुकिंग। थैंक यू।